Make some noise if you used a dating app before. क्या अरे इतना सन्नाटा वहां कसम सब झूठ बोल रहे कुछ कुछ को तो मैंने देखा भी है सर आप तो हो उधर मेरे को पता है बंबल बोल रहा है 1 million पीपल एवरी वीक आर डाउनलोडिंग बंबल किधर गोरखपुर में बैठ के क्या गाइस मेरा भी सेम ही ओपिनियन है मेरे को भी नहीं पसंद है डेटिंग ऐप्स मेरे को बहुत ट्रस्ट इश्यूज दे दिया डेटिंग ऐप्स ने एक्चुअली क्या हो गया बहुत ट्रस्ट इश्यूज है मेरी जिंदगी में लेके चल रहा हूँ मैं एक बार एक लड़की को डेट कर रहा था और ऐसा वी वर इन अ 3 month रिलेशनशिप और ऐसा उसका बर्थडे आ रहा था तो मैं सोच रहा था उसको ऐसा सरप्राइज दूंगा ना पागल ही हो जाएगी फिर उसने मुझे ऐसा सरप्राइज दिया है ना वो US शिफ्ट हो गई मुझे बिना बताए मुझे उसकी इंस्टाग्राम स्टोरी से पता चला कभी आपके साथ ऐसे हो आपके उबर ड्राइवर ने आपकी बिना ही ट्रिप चालू कर दी हो बहुत मेरे साथ ऐसा होता है यार वंस आई वाज डेटिंग दिस गर्ल एक तो यार मैं सोचा कि इस बार तो मैं सब चीजें पहले डेट पे ही बता दूंगा तो आई वेंट ऑन अ डेट विद दिस गर्ल ग्रेट फर्स्ट डेट वापस फर्स्ट डेट में बेस्ट करता हूँ आई थिंक सेकेंड थर्ड का प्रॉब्लम हो रहा है तो ग्रेट फर्स्ट डेट अभी मैं गया था एक बार में जहाँ पे जेंगा भी है जेंगा आप लोग को गेम पता है ना तो जेंगा गेम इन इटसेल्फ इज कॉम्प्लिकेटेड अभी जेंगा में ट्रूथ और डेयर भी आ गए बहुत कॉम्प्लेक्स है तो हम लोग खेल रहे हैं मस्त ग्रेट फर्स्ट डेट चल रहा है क्वेश्चंस आ रहे तो देयर वाज वन ऑफ द क्वेश्चंस वाज व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट फियर लाइक आई सेड नॉट बीइंग लव्ड शी सेड लिजर्ड्स I could have said lizards. I should have said lizards. The only thing I could tell her after that was कि दीदी आप घर ओला में जाएंगे कि उबर में बहुत गलत गलत चीज होती है Once I went out with this girl, okay, great first date है हम लोग बार में गए थे रात के 1:30 बज रहे बार इज अबाउट टू शट तो मैंने उसको पूछा कि हे कैन आई ड्रॉप यू होम शी इज लाइक डोंट वरी माई बॉयफ्रेंड इज पिकिंग मी अप बोला अरे पहले बताने का ना गेम में थर्ड प्लेयर भी है और वो थर्ड प्लेयर मैं हूँ मेरे को एकदम बचपन का याद आ गया कि ऐसा मैं वीडियो गेम खेल रहा हूँ मस्त 3 घंटा फिर पता चला मेरा भाई ने रिमोट कंट्रोल कनेक्ट ही नहीं किया टीवी को बहुत गलत चीज है एक तो क्या हो गया ना मैं थोड़ा सा ओल्ड स्कूल हूँ तो ऐसा आजकल डेटिंग में ही इतना सारे टर्म्स यूज हो गए कि मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ क्योंकि व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप बॉलीवुड ने मेरे को सिंपल चीज सिखाया था नजरें मिली दिल धड़का शादी भी उसी से करने सिंपल 3-step वेरिफिकेशन प्रोसेस आजकल बहुत टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं यार मेरे को सबसे इरिटेटिंग आई थिंक सबको सबसे इस चीज से वर्ड से इरिटेटिंग लगता है इस सिचुएशनशिप yes. है ना भाई बहुत इरिटेटिंग है क्या होता है क्या सिचुएशन में बताना वो कुछ होता भी और नहीं भी होता है ऐसा सिचुएशनशिप इज बेसिकली ऐसा लड़का लड़की है ना ऐसा 6 महीने गेम खेलते हैं कि रिश्ता क्या कहलाता है जिसके एंड में किसी को भी नहीं पता है कि रिश्ता क्या कहलाता है क्योंकि सिचुएशनशिप में कई सारे इट्स बेसिकली लाइक फ्रीलांस बॉयफ्रेंड जहाँ पे आपको कंपनी के कुछ कुछ बेनिफिट्स तो मिलते हैं लेकिन कंपनी आपको कभी भी फोन करके बोल सकती है कि कल से मत आना और फिर कल से नहीं जाने का और आपको नोटिस पीरियड भी सर्व नहीं करने का रहता है एक और सुना है मैंने यार बेंचिंग करके हाँ ये देखा इसमें सब सुना है भाई ये सब अपडेट हो गया अपने को पता भी नहीं है रोज मेरे को चेक करना पड़ता है कि आज मार्केट में क्या आया नया बेंचिंग वो चीज है जो जेमी सर्कल के साथ हर पिक्चर में होता है बेंचिंग में कैसा रहता है कि आपने ना किधर समझो डेटिंग के टर्म्स में नहीं बताता जॉब के टर्म्स में बताता हूँ कि आपने किधर जॉब एप्लीकेशन भेजा है कंपनी को आपका CV तो अच्छा लगा लेकिन कंपनी आपको बोलती है कि थोड़ा टाइम आप रुको हम लोग दूसरे कस्टमर लोग से भी बात कर रहे हैं थोड़े टाइम के बाद वील रीच आउट टू यू अगेन सबसे मेरे को सोल क्रशिंग लगता है ऑल्दो इज गोस्टिंग है ना भाई तेरे को पता है गोस्टिंग क्या होता है बताना अरे बताना अभी क्या शर्मा रहा क्या वाइफ है क्या तेरी अरे तो क्या हो गया उसको तो पता ही रहेगा ना कि खिलाड़ी तो था तू कभी तो शर्मा मत वो बता रही उसको अरे मैं बताऊंगा गाइस ऐसा बेसिकली गोस्टिंग में मतलब कैसा रहता है कि आप लोग बात कर रहे हो और
आप तो बात ही कर रहे हो, आपके पास उम्मीद है, अगली पार्टी निकल चुकी है। आप पे उम्मीद रहती है कि यार चलो अभी ठीक है, ये हफ्ते बिजी रहेगी, शायद सैटरडे संडे फ्री होगी तो कॉल करेगी, अच्छा अभी दिवाली की छुट्टी पे गई है घर से आएगी बाद में कॉल करेगी, अच्छा अभी क्रिसमस छुट्टी चल रही है तो मे बी उसके बाद, अरे अभी न्यू ईयर का ब्रेक चल रहा है ना मे बी उसके बाद, अच्छा अभी उसकी शादी हो गई डिवोर्स के बाद तो पक्का कॉल करेगी। पूछ ले उम्मीद लेके बेसिकली किसी ने आपको ब्लॉक कर दिया ना, इट इज वेरी सिंपल कि आप ऐसा ड्राइव पे जा रहे हो और उसने बोला कि मेरे को इधर उतरने का, एंड वो उतर गए, खत्म है। सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। गोस्टिंग में कैसा रहता है कि आप लोग मस्त, आपका फेवरेट गाना चल रहा है, ड्राइव पे जा रहे हो, आप लोग मस्त फेवरेट गाना चल रहा है, बाहर मस्त सीनरी ऐसा, डियर वियर भाग रहे, फिर आप डियर देखे, फिर आपको दिखाने का उसको डियर, और ऐसा देख रहे हो कि ये तो कूद गई भाई गाड़ी से, रेयर व्यू मिरर में देख रहे हो, शी इज लाइक यू नो डूइंग कार्टव्हील्स एट द बैक। मेरे को एक्चुअली पता है क्या प्रॉब्लम हो रहा है डेटिंग एप्स के, मेरे को डेटिंग एप्स का इंटरफेस ही नहीं पसंद है। किसी ने यूज किया है डेटिंग ऐप? नहीं, आप लोग को मैं बता रहा हूँ क्या रहता है डेटिंग ऐप का इंटरफेस, मेरी भावनाओं के साथ खेलता है बहुत ज्यादा, क्योंकि आप कभी भी मेरे साथ, बेस्ट चीज फॉर अ गाय टू हैपन ऑन डेटिंग ऐप्स इज कि वो लड़की आपसे बात करना चालू करते, ठीक है, तो व्हेनेवर अ गर्ल स्टार्ट्स टॉकिंग टू मी, ग्रेट, बेस्ट फीलिंग। लेकिन जैसे ही वो बैक बटन दबाती है ना, उसको और ऑप्शंस दिख रहे मेरी शक्ति का गलत इस्तेमाल हो रहा है उधर यार। मैं बोला मैं ऑलरेडी बीट कर दिया ना सिस्टम, अभी रहे क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो और ऐसा कोई दूसरा ऐप नहीं कर रहा है, अगर एक ना आपने एक बार उबर पे कैब बुक कर दी तो जब तक वो कैब नहीं आ रही है आपको उबर ऐसा नोटिफिकेशन नहीं भेजेगा कि देयर इज अनदर कैब वेटिंग फॉर यू 15 मिनट्स अवे। वो सिखा रही है उसको। मैं ये देखो, मैं यही सिखा रहा हूँ, जेंजी लोग ने डेटिंग का बहुत वाट लगा दिया है, सेम चीज को अलग अलग चीज बोल रहे हैं। एक नया चीज सीखा मैंने, आप लोग को पता है एक और चीज है, क्या बोलते हैं उसको, देयर इज प्रेफर, नहीं कन्वीनियंस क्रश, हाँ ये नया मैं कल सीखा, कन्वीनियंस क्रश, जिसको अंकल लोग पहले नयन सुख बोलते थे ना कि मेरे ऑफिस में एक लड़की है इसके लिए मैं मोटिवेटेड रहता हूँ ऑफिस में जाने को, That is what convenience crush is. Suddenly, मैं बोला यार ये कुछ भी ऐसा lecherous behavior को ऐसा तुम लोग fancy term दो मत. There are a lot of things that I am not coming to terms with. मेरे को एक तो dating apps ने ना gamify कर दिया, एक तो काफी सारी चीजें अपने बारे में बताते हैं लोग जो मैं नहीं जानना चाहता। आपको पता है 420 friendly करके एक चीज हो रही है, आपको पता है मैम 420 friendly क्या होता है? टेंशन मत लीजिए, मुझे भी नहीं पता था, मैं आप लोग के एजुकेशन के लिए ही आया हूँ इधर। 420 फ्रेंडली इज बेसिकली क्या हो गया था यूएस में है ना, 20th April जो उधर उन लोग डेट उल्टा लिखते हैं ना, तो 420 उधर वीड लीगलाइज हो गया था, जिसके वजह से वर्सोवा में बच्चे लोग 4:20 को गांजा पी रहे रोज। जैसे अपना रहता ना 11-11 मेक अ जॉइंट, अरे सॉरी 11-11 मेक अ विश, उनका चल रहा है 420 मेक अ जॉइंट। भाई मैं मिला एक लड़की का प्रोफाइल था ऐसा, वो मैच कर दिया, मेरे को तो पता ही नहीं 420 फ्रेंडली क्या होता है, मेरे को लगा 420 ही कर रही है विजय माल्या जैसा। मैं बात बात चालू किया तो मेरे को बोल रही है वुड यू बी इंटरेस्टेड, मैं बोला नहीं, तो फिर अगले हफ्ते से तो उसने मेरे को गांजे का भाव भेजना चालू कर दिया। 4,500 का एक तोला मिल रहा है, मतलब बेन उससे ज्यादा महंगी है यार। मैं 2-3 बार ये जोक किया ना तो शो के बाद लोग मेरे को पूछ रहे कि वो लड़की का नंबर मिलेगा क्या। गांजे के लिए मैं बोला यार बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरा ही डेटिंग लाइफ खराब चल रहा है, मेरी बेस्ट फ्रेंड का तो और खराब टाइम चल रहा है। यू नो व्हाट हैपेंड कि हर बॉयफ्रेंड चीटेड ऑन हर विथ हर बेस्ट फ्रेंड, या सो शी एंड ये तो ऐसे कब नहीं जानती मेरे दोस्त को ऐसा, हर बेस्ट फ्रेंड चीटेड ऑन हर विद हर बॉयफ्रेंड एंड शी एंडेड थिंग्स विद हर फ्रेंड। मैंने रियलाइज किया कि ऐसे ही होता है, बिकॉज लाइक यू नो ऐसा, बिकॉज मैन चीटिंग इज वेरी नॉर्मल ना, एंड दैट्स व्हाट लाइक विमेन अमंग्स देमसेल्फ नो कि आदमी लोग तो चूते होते हैं, लेकिन दीदी आप तो सेम टीम में थी ना।
आपको तो समझना चाहिए था। वह बहुत ज्यादा यार, मैं अभी अगले महीने उनके संगीत पे नाच रहा हूँ। बट बॉलीवुड काफी अजीब चीजें बताते हैं, लाइक बॉलीवुड डजंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ चीटिंग फॉर मेन, क्योंकि जब आदमी लोग चीट करे पिक्चर में द मूवी इज कॉल्ड ग्रैंड मस्ती, बट व्हेन अ वुमन चीट्स इट्स कॉल्ड मर्डर। मैं बोला लेवल्स क्या यार तेरे। बॉलीवुड काफी चीजें नहीं पता यार बॉलीवुड को। एक और चीज नहीं पता है बॉलीवुड को इज क्या बोलते हैं, बॉलीवुड को रिजेक्शन भी नहीं पता है। वो एक बार रणबीर कपूर का पिक्चर देख रहा था, कौन सा है वो, ए दिल है मुश्किल। वो स्टार्टिंग से एंड तक रणबीर को पता ही नहीं चल रहा है अनुष्का उसको ना बोलने का ट्राई कर रही है। मतलब सिंपल है, रणबीर तू बॉम्बे में रहता है, तेरे को दिन का चार रिक्शा वाला ही ना बोल देता है यार। तेरे को उतना दूर जाने का भी जरूरत नहीं था, स्टार्ट टू एंड वो समझ ही नहीं रहा है। लाइक रणबीर वॉज सो टेरिबल इन द मूवी दैट अनुष्का चूज कैंसर ओवर रणबीर। चन्ना मेरे भाई, मैं एक चीज आपको बताता हूँ कि वन डिफिकल्टी ऑल्सो दैट लाइक यू नो मॉडर्न डेटिंग हैज इज, जब भी आप सेम शहर में रहते हो ना अपने पार्टनर से और दोनों ही अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो, तो व्हेन यू हैव टू स्पेंड अलोन टाइम इज अ लिटिल डिफिकल्ट, क्योंकि जब भी आप लोग का मूड होता है उसके लिए आपको चाहिए कि चार लोगों का और मूड बने बाहर जाने का घर से। कि या तो उसके पेरेंट्स कहीं चले जाए या मेरे पेरेंट्स कहीं चले जाए, यू हैव टू वेट फॉर द स्टार्स टू अलाइन। तो कभी कभी नहीं भी होता है, और फिर क्या होता है कि यू हैव टू बुक अ होटल रूम विच इज वेरी ऑकवर्ड, क्योंकि सबको पता है आप क्यों जा रहे हो। ऐसा वो दिल में आता है कि 10,000 रुपया दिया तो अभी पैसा वसूल करना पड़ेगा। मैं बोला वो फीलिंग के साथ नहीं जाना है मेरे को। और फिर वो रिक्शा वाला भी जो आपको छोड़ रहा है वो भी ऐसा अजीब नजरों से देखता है कि सर मेरे को पता है आप गोरेगांव से अंधेरी रिक्शा लेके क्यों जा रहे हो। वो होटल का वो रिसेप्शनिस्ट भी थोड़ा सा आंख मारता है कि सर कैमरा बंद करके रखा है आज हमने। बहुत अजीब। तो माय एक्स एंड आई वी हैड दिस सिस्टम इन प्लेस कि जब भी वी वांटेड टू चिल हम लोग उसके पेरेंट्स को मूवी देखने भेज देते थे। अच्छा सिस्टम था, उन लोग 4 घंटे मजे करने जाते थे पेरेंट्स, हम लोग भी जो भी यार जैसा भी। अरे बॉम्बे ट्रैफिक यार, ऐसा थोड़ी ना उसको। तो हाँ हाँ, तो क्या हो गया फिर हम लोग ने भेजा, बहुत अच्छा सिस्टम था, 3-4 महीना बहुत मस्त चला। फिर एक दिन हम लोग ने उनको बागी 2 देखने को भेज दिया। उन लोग इंटरवल से ही लौट गए, क्लाइमेक्स कहीं और ही देखा उन लोगों ने। That's all the time I have, guys. My name is Louis. I just don't want to.